नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान लाइव में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की कुछ अहम खबरों के साथ। जयपुर के जोबनेर श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कृषि मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जे एस संधु ने की है। उद्घाटन समारोह में अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय में किसानों के तैयार किए गए विभिन्न प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया। तकनीकी और नए नए खाद बीज दवाइयाँ इनके बारे में जानकारी मिलेगी और अपने खेत में अप्लाई करने के लिए उनको मौका मिलेगा कि कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है, इस टाइम पर कौन सी तकनीकी चाहिए, जल को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से रोग और बीमारियों से लड़ना है, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है और मिलेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है जो राजस्थान और इंडिया के अंदर है उसको यहाँ पर लगाया गया है, उसके बारे में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और उसी के बारे में है। लंबे समय से किसान मेला आयोजित किया जा रहा है, किसानों में बहुत हमारे तरफ से डिमांड आ रही थी कि आप बड़े स्तर पर करिए जिसमें एक ही जगह पर किसान को सब तरह की जानकारी मिल सके। किसान मेला एक ऐसी जगह है जहां पर यह सब जानकारी मिल सकती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप हमारे कैंपस में देखेंगे कि जो वर्षा जल है उसको एकत्र कैसे किया जाए, उसके लिए हमने बहुत बड़े प्रयास भी लेवल पे किए हैं और हर किसान को चाहेंगे कि वो जल का प्रबंधन अच्छे से करे और बाकी जो खेती से जुड़ी हुई नई नई साइंस आ रही है। अनुसंधान हो रहा है, उस शोध और अनुसंधान की जानकारी हम आम किसानों तक कैसे पहुंचाएं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वविद्यालय ने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी जॉबनेर की है वो प्लस कृषि विभाग राजस्थान सरकार का मिल करके ये विज्ञान मेले का जो आयोजन किसानों के लिए किया है, मैं इसको विज्ञान मेला ही कहूँगा किसान मेले की बजाय। किसानों को तो बुलाया गया है लेकिन इसमें सही मायने में साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्चेज क्या इन्वेस्टिगेशन उसकी जानकारी क्या क्या नई किस्में आ रही हैं, क्या नई नस्ल आ रही हैं, क्या वेटनरी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या नवाचार किए गए उनकी जानकारी आम किसान को दी जा रही है। किसान के परिवार में कैसे खुशहाली आए हमारे बीजी साहब ने और कृषि विभाग का जो आत्मा डिपार्टमेंट है उनके साथियों ने मिलकर, हमारे मंत्री महोदय भी मौजूद है गर्ग साहब, आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं और ये 26 तारीख तक चलेगा, ये किसान मेला चलेगा जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि राजस्थान में जो हमारा भूभाग है उसमें अलग अलग तरह, कहीं नहरी इलाका है, कहीं शुष्क है, किस जिले में क्या पैदावार हो सकती है और पशुधन को साथ में लेके किसान अपनी आय को कैसे बढ़ा सकता है,